ना यूके रूल चेंज कर दी, 10 साल का गैप विदाउट आयल्स स्पाउस के नाल 40% नंबर वक्रिया वक्रिया एडा, ये एडा जिहड़ियां तुसीं देखते हो यूके हाई कमीशन नहीं देखती। 2009 विच भी यही होया सी, अज 2019 दे विच 2020 दे विच भी यही होया, कहिंदे अत खुदा दा बैर हुंदा है। सो अत जदों मचाती असी ओ स्टूडेंट्स जिहड़ां नूं हिंदी च पंजाबी च गल नहीं समझ लगती, इंग्लिश च जाके उत्थे पढ़ाई करन लई उहनां दे वीज़े लग गए। जदों ये चीज़ां उन्होंने एयरपोर्ट ते इंटरव्यू च सामने आईयां या यूनिवर्सिटियां दे विच बच्चे पहुँच पहुँच के फेल होने शुरू होए, उन्हां बच्चों नूं समझ नहीं लगी कि वह की पढ़ते पे किद्दां पढ़नगे, उदों यूके ने स्टैप लिया कि अल्टीमेटली एक चंगा स्टूडेंट जिहड़ा आस्ट्रेलिया वालों रुख करता या कैनेडा वालों रुख करता वह स्टूडेंट ही यूके आके पढ़ाई कर सकता। सो ये रूल चेंज होने लाजमी सिगे जो स्टैप यूके हाई कमीशन ने लिया, बहुत ही वधिया और बहुत ही वेलकम स्टैप यूके हाई कमीशन वालों लिता गया। इफेक्ट्स सारिया के सामने आले दुआले देख लो, हर स्टूडेंट की इंटरव्यू चाहे वह इमीग्रेशन लै लवे, चाहे वह स्काइप से इंटरव्यू हो रही है, चाहे बॉर्डर से हो रही है, चाहे हीथ्रो एयरपोर्ट पहुँचने हो रही है, हर तरीके दे नाल एम्बेसी मेक श्योर करन दी कोशिश कर रही है कि जेड़ा बच्चा लंडन हीथ्रो एंटर करे इंग्लैंड विच पहुँचे वो इंग्लिश बोलन वाला होवे, वो एक जेन्युइन स्टूडेंट होवे। स्टूडेंट्स दे वीज़ा लगन तो बाद कैश कैंसल होए है, स्टूडेंट दे वीज़ा लगन तो बाद वीज़े रिवोक होए है, इस तो ज़्यादा होर की इफेक्ट्स हो सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट नूं किसी भी एजेंट नूं ये लगता सीगा कि 100% वीज़ा है, अज उन्होंने 100% वीज़ा नूं 100% इंटरव्यू च लिया के बदल दिता, और कोई भी स्टूडेंट जिहड़ा एक जेन्युइन स्टूडेंट नहीं हैगा, जिहदा इंग्लिश दे उत्ते कमांड नहीं हैगा, इंटरव्यू नहीं दे सकदा, 10 साल का गैप जस्टिफाई नहीं कर सकता, एक घंटे च इंटरव्यू तो बाद रिफ्यूजल लैटर टाइप करके यूके हाई कमीशन वालों दिती जा रही है। जिथे वीज़िया की भरमार सोची जा रही थी उत्थे रिफ्यूजल्स की भरमार अज की डेट च एजेंटा दे ऑफिस दे विच लगी हुई। हर वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता जिहड़ा जेन्युइन स्टूडेंट रूल दे विच इनकलूड हुंदा, जिद्दां आस्ट्रेलिया ने जीटीई दी गल कीती सी, अज यूके एम्बेसी भी जेन्युइन स्टूडेंट दी गल करदी पई आ। जेन्युइन स्टूडेंट तो परिभाषा सब तो पहली चीज़ जिहदे ते वीज़े रिफ्यूज हुंदे पए तुहाडी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आइल्स दे 6-6.5 बैंड दा कोई मतलब नहीं जे तुसीं इंग्लिश बोल के इंटरव्यू नहीं दे सकदे। बड़े स्टूडेंट्स ने जिहड़े 6 बैंड वाले भी इंटरव्यू तो बाद रिफ्यूज़ होए हैं, और बहुत स्टूडेंट्स ने जिहड़े विदाउट आइल्स अप्लाई किया सी और इंटरव्यू पास करके वीज़ा लैके यूके ट्रैवल किए। सो सब तो पहली चीज़ है कि तुहानूं इन्नी क तुहाडे च पावर होनी चाहिए या इन्ना क अपने कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यूके हाई कमीशन की वीज़ा इंटरव्यू जी हैगी है उन्हूं तुसी थ्रू कर सको। सैकेंडली तुहाडा कोई भी गैप है चाहे वह 10 साल का, तुसी इन्नी क्षमता रखते हो कि उन्हूं जस्टिफाई कर सको कि मैं क्यों 10 साल बाद पढ़ाई करना चाहना। फिर वो गल करते हैं फंडस की, अगे तो बड़ा सौखा सी 28 दिन पुराने फंड दिखाए तो अप्लाई हो गया, हूँ लोग कहें यह फंडस आए कितों, ये फंड तुहाडे कोल सोर्स ऑफ इनकम की है, घर च कमाने वाले कौन ने, टोटल कमाई किन्नी साल दी और तेरी पढ़ाई का खर्चा किन्ना साल का। सो ये सारिया चीज़ा क्लब करके उन्होंने एक जेन्युइन स्टूडेंट रूल बनाता, बहुत ही वधिया रूल है, अगले 10 साल तक ये रूल चलन वाला है। यूके दे वीज़े बंद नहीं होने बशर्ते तुसी एक जेन्युइन स्टूडेंट हो, पहली इंटेंशन पढ़ाई है, बाकी जिहड़ा वर्क परमिट है, पार्ट टाइम वर्क है, बाकी जिहड़ी पीआर है, वो सारा कुछ बाहर जांदा। एक जेन्युइन स्टूडेंट लिए वीज़े अगले 10 साल तक बंद नहीं होने, वीज़ा अप्लाई करके तो देखो। देखो सब तो पहली चीज़ तो स्पाउस वीज़ा नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, अल्टीमेटली हुंदा स्टूडेंट वीज़ा ही है, नाल डिपेंडेंट जाता उन्हों असी स्पाउस वीज़ा कह दें। एम्बेसी नूं कदी भी इस गल तो प्रॉब्लम नहीं कि तुहाडा हसबेंड या तुहाडी वाइफ एज ए डिपेंडेंट नाल जा रही है, बशर्ते एक दो चीज़ा तुसी उन्हां नूं सैटिस्फाई करदे हो। सब तो पहला तो यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं हैगी, बहुत सारिया कंट्रियां नूं पंजाब तो हरियाणा तो यह प्रॉब्लम है कि इत्थे ठेका करके ब्याह किया जाता है और हसबेंड का वाइफ नाल, वाइफ का हसबेंड नाल कोई लेना देना नहीं होता। दूसरी कंडीशन उन्हां दी ये आ जाती है जो यूके ने रीसेंटली अपनी इंटरव्यूज बच्चों पूछा कि स्पाउस इत्थे तुसीं दस रहे हो कि कारोबार करता है 12 लाख रुपया साल का कमाता है, वो अपना कारोबार छड़ के सब कुछ छड़ के तुहाडे नाल इंग्लैंड जाके बसूगा, की करूगा और क्यों,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪਾਊਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਮ ਰੂਲਸ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨੂਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰੂਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਜੈਨੂਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਜੈਨੂਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਨਵਿੰਸਡ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਕੋਈ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਆਫਿਸ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਨਸ ਐਂਡ ਆਊਟਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਥਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਐਟਲੀਸਟ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰੀਜ਼ਨਸ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਵੱਲੋਂ ਔਫਲੋਡ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ, ਹਰ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਮ ਗਲੋਬਲ।